का दोस्तों, आप देख रहे हैं इनोवेटिव जीएस नॉलेज और मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनोवेटिव जीएस नॉलेज में। और चलिए आज फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर्स क्या है। हम जैसे पहले बता चुके हैं कि हर दूसरे दिन हम करंट अफेयर देंगे, क्योंकि एक दिन करंट अफेयर्स का कंटेंट जुटाने में लगता है और दूसरे दिन बनाने में या अपलोड करने में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। टॉप 10 क्वेश्चन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। और अगर ये यदि आपको ये कंटेंट, ये करंट अफेयर्स या ये टॉप 10 क्वेश्चन अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब क्यों करिएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जा रहा है या कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को, 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर क्या होता है? ये अल्जाइमर जिसको हो जाता है उसकी याददाश्त चली जाती है। यहाँ देख लीजिए, एक लगातार बढ़ने वाला रोग होता है जिससे याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दिमागी कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़ाव और खुद कोशिकाओं को कमजोर हो और खत्म होने की वजह से याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये होता है अल्जाइमर। अल्जाइमर से क्या होता है मतलब, तो क्या 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को होता है और विश्व अल्जाइमर महीना का हिस्सा है। इस सार या डिमेंशिया पर केंद्रित कर रहा है। मतलब अगर आपसे ये पूछेगा कि विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का थीम क्या था, उद्देश्य क्या था, या वो किस पर ध्यान केंद्रित करता था, तो डिमेंशिया पर, पागलपन, इस पर, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, इसका थीम था। ठीक है, 2020 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत ने निम्न में से किस देश को सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? भारत ने निम्न में से किस देश को सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, किसको? मालदीव को। मालदीव को जो है भारत ने अभी हाल ही में सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। ये सॉफ्ट लोन क्या होता है? एक मिनट, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है कम ऋण। सॉफ्ट मतलब मुलायम, मुलायम का मतलब ये कह सकते हैं कि जो कम ब्याज पर, कम ब्याज पर जो है ऋण दिया जाता है, कम ब्याज पर जो धन दिया जाता है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। यस, कम ब्याज पर दिया गया लोन जो होता है सॉफ्ट लोन होता है, कम से कम रहेगा। तो जो है ये अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को दिया है। मालदीव, देखिए मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? माले। इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने मालदीव में, देखिए भारत ने, एक मिनट यार, भारत ने मालदीव को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। यह कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए बजटीय समर्थन है। ठीक है, याद रखिएगा, बजटीय समर्थन है। ये देखिए मैप में, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा, ये ऊपर भारत है ये। ठीक है, ऊपर क्या है? भारत है। मालदीव देखिए ये है, मालदीव कहाँ है? ये देखिए मालदीव है ना, दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत के दक्षिण में, भारत के, देखिए सेम एकदम नीचे दक्षिण में है। ये देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के भी दक्षिण में है और श्रीलंका के पश्चिम में है। मालदीव राजधानी क्या है? माले। ये देखिए विषुवत रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इधर क्या है? हिंद महासागर। ये हो गया आपका मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदला है? तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उसको वाराणसी स्टेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने वाराणसी के मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस, क्या ध्यान रखिएगा, बनारस, याद रखिएगा, बनारस करने की मंजूरी दे दी है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ।
ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नेपाल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके उत्तर में उत्तराखंड, इसके उत्तर में उत्तराखंड, और उत्तर पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और क्या है छत्तीसगढ़। उसके बाद पूरब में बिहार है, पूरब दक्षिण में क्या है दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण में झारखंड है, याद रखिएगा। और पीएम सीएम आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब सीएम यहाँ के कौन है, तो ये इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संधि दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? 21 सितंबर को, 21 सितंबर को अभी हाल ही में। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संधि दिवस कब मनाया गया, 21 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, शेपिंग पीस विद टूगेदर थी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या, हाल ही में किस पुरस्कार समारोह की लाइव मेजबानी की गई है, हाल ही में किस पुरस्कार समारोह की लाइव मेजबानी की गई है, तो इम्मी अवार्ड या एमी अवार्ड की, इम्मी अवार्ड या एमी अवार्ड की अभी हाल ही में लाइव मेजबानी की गई है। ये देखिए है एमी अवार्ड, ठीक है, ये देखिए एमी अवार्ड है, फोटो लगा है, तो इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। एमी अवार्ड 2020 को 21 सितंबर, 2020 को देखिए 21 सितंबर को क्या क्या है याद रखिएगा आप लोग, ना तो नोट्स में लिख लीजिएगा 21 सितंबर को क्या क्या हुआ था। शांति दिवस भी मनाया गया था 21 सितंबर को, कब दिया गया एमी अवार्ड, ये भी आ सकता है कि एमी अवार्ड कब दिया गया, 2020 को, 21 सितंबर 2020 को जिम्मी किमेल द्वारा एक खाली लॉस एंजल्स स्टेपल सेंटर में होस्ट किया गया था। ये कहाँ किया गया था, लॉस एंजल में, जिसमें नामिनी अपने घर से लाइव शो में आए थे, घर बैठे पुरस्कार मिल गया है। COVID-19 महामारी के बीच विजेताओं ने अपने घरों में ट्रॉफियाँ प्राप्त की, जाने माने सिटकॉम स्किट स्किट के क्रिक ने एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा अवार्ड 7 प्राइम, ये जो भी दिया है इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, हम ऐसे लगा दिए थे। तो छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल में विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब मनाया गया है, हाल ही में अभी विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था 24 सितंबर को, मतलब कल, कब मनाया गया है 24 सितंबर को, यानी कि कल मनाया गया है मैरीटाइम दिवस या मैरीटाइम डे। एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया है, विश्व समुद्री दिवस मनाने की यह सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर, यह मतलब कहने मतलब ये कोई तारीख नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय सस्टेनेबल सेविंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट है, इसका आपका थीम जो है विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय या थीम जो भी कह लीजिए क्या था, सस्टेनेबल सीपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में, लंदन कहाँ, यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन के महासचिव इस टाइम कौन है, कीटैक लिम, ठीक है। ये देखिए रेड से मैंने रेड पेन से लिखा है, तो ये ही इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन के महासचिव कौन है, कीटैक लिम, ये आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में है। सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में अभी डिन जोन्स का निधन हो गया, वो क्या थे, तो हाल ही में जो डिन जोन्स का निधन हुआ है वो एक क्रिकेटर थे, इनके ये देखिए क्रिकेटर थे डिन जोन्स, क्या डिन जोन्स ये क्रिकेटर थे, ठीक है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, प्रसिद्ध कमेंटेटर डिन जोन्स का निधन, उन्होंने अपनी शुरुआत 1948 में वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच के ऑस्ट्रेलिया के लिए जीती थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले, उन्होंने लगभग 9500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, ठीक है, ये उनके बारे में थोड़ा बहुत, तो यहाँ सब देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कमेंटेटर। आठवां क्वेश्चन क्या, कोरोना वायरस कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य कौन है, अभी हाल ही में कोरोना वायरस कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो है उनका डेथ हो गया है, तो वो क्या थे, मतलब कौन थे, उनका नाम क्या था, सुरेश अंगड़ी, ये देखिए सुरेश अंगड़ी जी हैं, कोरोना वायरस इनकी मृत्यु हो गई है।
और इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इनके बारे में क्या, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। वो कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद हुए थे। वे 2004, 2014, 2019 में चुने गए थे। ठीक है, इनके बारे में है और कहाँ के, कर्नाटका के, याद रखिएगा कर्नाटका के थे ये। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है। अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है, तो भूपेश पांड्या का निधन हुआ है। किसका, भूपेश पांड्या का। ये देखिए भूपेश पांड्या जी हैं और इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या, जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का निधन हो गया। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एसडी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। ठीक है, भूपेश पांड्या के बारे में है। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। तो गुजरात सरकार ने, कौन सरकार, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, यम से मुख्यमंत्री, यम से महिला, यू से उत्कर्ष, वाई से योजना, एक नई योजना का शुभारंभ किया। किसने, गुजरात ने किया, याद रखिएगा। ये देखिए गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी, ये विजय भाई आर रूपानी जो भी जैसे भी बैठे, ट्रिक आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री क्या है, विजय भाई आर रूपानी। वहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री, अब थोड़ा सा डीपली में देख लीजिए, कुछ लोगों को डीपली में पढ़ना पसंद आता है। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के बारे में था। तो यहाँ पर इतना सब ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इसलिए थोड़ा सा मतलब कहानी के रूप में बन जाता है तो अच्छा लगता है। और आज का यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लस जो भी चीज़ें अगर अस्पष्ट आई हों, नज़र समझ में ना आई हों, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप, मैं उसका जवाब दूंगा, जवाब मतलब किसी भी तरह से दूंगा आपको कमेंट में ही, या अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा आप जो कहेंगे। तो आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया था, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूँ, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। अभी आपने ऊपर देखा, मतलब मैंने बताया कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे बनाया गया था। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे के दिन, मतलब 21 सितंबर को कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। क्या 21 सितंबर को, 21 सितंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए इनोवेटिव जीएस नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।